हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी के तहत बहुत ही अच्छा कृषि विभाग में भर्ती आई हुई है। और दोस्तों, अभी इसको अप्लाई करने का डेट अभी 27 जुलाई तक है। तो दोस्तों, जो लोग अभी अप्लाई नहीं किए हैं तो वो लोग भी कर लें। और चले देखते हैं किस किस विभाग में भर्ती आई हुई है, और इसके साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि उसमें कितने पोस्टों पर भर्ती हुई है, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उसके लिए फ़ी कितना होगा, और बिहार या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते झारखंड गवर्नमेंट में। तो चलिए, सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं भर्ती किस प्रकार की है। दोस्तों इसका देखिए, इसका जो भर्ती का जो फ़ी है, इसका जो भर्ती का फ़ी है कितना है, 100 रुपये, ठीक है। और वहीं जो 50 रुपये जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति या STSC वाले लोगों के लिए अपना 50 रुपये फ़ी है, ठीक है। दोस्तों इसमें झारखंड SSC में बहुत ही कम फीस है। अब चलिए देखते हैं भर्ती किस पोस्ट के लिए आई हुई है। तो इसमें भर्ती जो पोस्ट में आई हुई है एग्रीकल्चर विभाग में, तो वो है अपना गार्डन अधीक्षक का, यानी कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की भर्ती है। और इसमें टोटल सीट कितना है दोस्तों, तो इसमें टोटल सीट है 12 सीटें हैं, 12 सीटें हैं, और एक जो सीट है वो किसके लिए है, महिला का सीट है, ठीक है। दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट में कौन सा भर्ती आई है। दूसरे जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है अपना वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर की कितना सीटें हैं, तो वेटनरी ऑफिसर में आप देख सकते हैं कि ये है वेटनरी ऑफिसर, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भर्ती है। और सभी का भी मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा। तो इसमें टोटल 11 पोस्टें हैं, और इसके साथ ही साथ सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का सीट है दोस्तों। जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं तो उनके लिए कितना सीटें हैं दोस्तों, तो टोटल ये कितना सीटें हैं, तो यह 25 सीटें हैं फूड इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। दोस्तों अब यहीं देखते हैं सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए कितना सीटें हैं। तो सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए जो सीटें हैं वो है अपना 645 सीटें हैं, और फीमेल के लिए 32 सीटें, ठीक है। दोस्तों ये अपना देख रहे हैं, और ये सब तो जो है ये अपनी ये अंदर डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। और चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। देखिए पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। यह है गार्डन अधीक्षक के लिए एक ग्रुप बी लेवल की नौकरी है, और इसके लिए जो वेतन होगा आपका देख रहे हैं 25,400 से लेकर 1,24,000 तक का वेतन होगा, ठीक है। और यहीं 1,12,400 तक वेतन होगा। और इसका जो अपना क्वालिफिकेशन लगे होगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास कृषि एक BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री होना जरूरी है, ठीक है। दोस्तों यही वेटनरी साइंस के लिए देख लेंगे, तो वेटनरी साइंस के लिए होना चाहिए आपके पास एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस यानी BVSc होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। वही फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए आपके पास इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास अपना जो डिप्लोमा भी होगा इंडस्ट्रियल एरिया से वो भी भर सकता है, और जो जिसके पास अगर मैंने जो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स से होगा तो वो लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी सुपरवाइज़र इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ साथ इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ एक डिप्लोमा भी चाहिए, जो इसमें लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जिसके पास होगा। देखिए दोस्तों ये मेडल वाले के लिए दिया है, और इसमें अब दे दिया एज लिमिट। एज लिमिट में क्या क्या होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी सब आपकी अप्लाई करने के डेट्स हैं, तो एज लिमिट के लिए टेंशन नहीं है, इसलिए कि एज इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और इसमें न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, वहीं जनरल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, OBC के लिए कितने 37 साल होनी चाहिए, STSC के लिए 38 से 40 साल तक हो सकता है वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। अब इसका सिलेबस देख लेंगे, सिलेबस क्या है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा भर्ती हुई है। अब देखिए इसमें जो है कुल प्रश्न कितने होंगे, 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। भाषा ज्ञान मुख्य परीक्षा होगा ये दोस्तों, और इसका मुख्य परीक्षा होगा। इसका सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका परीक्षा के पाठ्यक्रम जो है ये हिंदी में होगा, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न होगा, और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। ये हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा इसमें पेपर, और जो पेपर होगा एक जो होगा विषय संबंधित। अब देखिए इसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से विषय संबंधित होगा, तो इसमें दोस्तों टोटल 150 प्रश्न हैं, जो 100 प्रश्न है तकनीकी से, यानी जो लोग एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा, और जो अन्य डिपार्टमेंट के उसके लिए होगा, और 20 प्रश्न जो है सामान्य मैंने GK होगा GK GS, और 20 प्रश्न होगा जो जनरल मैथ होगा, और 20 प्रश्न जो होगा अरे 10 प्रश्न जो होगा वो अपना जनरल साइंस का प्रश्न होगा दोस्तों। तो ये टोटल कितना प्रश्न हो जाएगा आपका 215 प्रश्न हो जाएगा, और ये अपने 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपकी परीक्षा के वो है, और मिनिमम आपके पास 30% मार्क्स होने चाहिए,
तब जा करके इसके लिए पात्रता होंगे आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।